मैं बिलीव करती हूँ कि अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है कि मैं 60 साल के या 70 साल के इंसान को रोमांस करूँ तो भी मैं करूँगी, और अगर मुझे मेरी स्क्रिप्ट और मेरा डायरेक्टर मुझे बोलेगा कि 20 साल के लड़के के साथ रोमांस करना है तो भी मैं करूँगी, बिकॉज आई एम वेरी हंग्री एज एन एक्टर. मुझे बस एक्टिंग करनी है, मुझे बस लोगों को एंटरटेन करना है. अनेक दिन पर ओडिशा रे पाद देखते नम्रता थापा तक सहित आम कथा ओडिशा ओडिया तो कथ पारे हिंदी ही कथा मैम ओडिशा भास्कर को मैं स्वागत मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी. थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम. आई एम वेरी गुड. हैप्पी होली टू एवरी वन, टू ऑल द व्यूअर्स. मैं पहले जैसे लग रही थी अभी भी वैसे ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. पहले पहले आप बुद्धादित्य सर, सिद्धांत महापात्र सर के साथ बहुत काम कर चुके हैं, और अभी माँ के रोल में आ रहे हैं. तब हीरोइन के रोल में आती थी, अब माँ के रोल में आ रहे हैं. ये जो डिफरेंस है, आपको कुछ फील हुआ? मुझे लगता है एक्टर को एक अच्छे एक्टर की यही खासियत होनी चाहिए और यही पहचान है कि वो ये ना देखे कि मुझे क्या कैरेक्टर करना पड़ रहा है. मैं बिलीव करती हूँ कि अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है कि मैं 60 साल के या 70 साल के इंसान को रोमांस करूँ तो भी मैं करूँगी, और अगर मुझे मेरी स्क्रिप्ट और मेरा डायरेक्टर मुझे बोलेगा कि 20 साल के लड़के के साथ रोमांस करना है तो भी मैं करूँगी, बिकॉज आई एम वेरी हंग्री एज एन एक्टर. मुझे बस एक्टिंग करनी है, मुझे बस लोगों को एंटरटेन करना है, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शो माई टैलेंट एंड माई क्रिएटिविटी, दैट्स इट. तो मेरे लिए डेफिनेटली ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था कि माँ के रोल बहुत जल्दी है. मैं इतनी जल्दी, मैं अभी भी मैं और 10 साल यू नो इसको डिले कर सकती हूँ, एटलीस्ट 6-7 साल, 7-8 साल और डिले कर सकती थी. बट आई लव उड़िया मूवीज़. मुझे यहाँ आना, यहाँ काम करना मुझे बहुत पसंद है. अशोक जी ने मेरे बारे में सोचा, प्रीतम ने सोचा कि मुझे ये रोल करना चाहिए, एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू कम बैक. और मैं वेट ही कर रही थी कि कोई जो राइट मूवी आएगी ना, मैं उसी के साथ वापस री एंट्री करूँगी, एंड अशोक पति से बेटर और मेरे लिए कोई चॉइस हो ही नहीं सकती थी. मैम कितने साल हो गया आप ओडिशा नहीं आए, कितने साल हो गए आप गिने नहीं? आई एम कमिंग बैक आफ्टर 9 ईयर्स. आफ्टर लॉन्ग 9 ईयर्स, इस बीच ओडिशा कभी याद आया? बिल्कुल, हमेशा याद आता है. बिल्कुल, मैं इंस्टा पे होती हूँ और मैं देखती हूँ कि उड़ीसा के लोगों के मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, लोग मुझे इतना याद करते हैं और मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, मैम आप कब आओगे, आप क्यों उड़िया मूवी नहीं करते, आप कब उड़ीसा आ रहे हो. एंड लोग बोलते हैं, यंगस्टर्स बोलते हैं, मैम यू आर माई चाइल्डहुड क्रश. तब मुझे लगता है बापरे मैं सच्ची बुढ़ी हो गई हूँ. कि मैं बुढ़ी नहीं हूँ, अभी मेरी उतनी एज नहीं है. तो बट वो प्यार ही है मेरे ऑडियंस का, लोगों का, जो मुझे हमेशा यहाँ पे वापस खींच लाता है. और मैं चाहती भी हूँ कि मैं हमेशा हमेशा ओडिया मूवीज करती रहूँ. बिल्कुल बिल्कुल, मैं आगे भी काम करती रहूँगी. कल को जाके सच्ची में अच्छे बड़े 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 बच्चों की माँ भी बनूंगी, फिर दादी बनूंगी, पर दादी बनूंगी, सब कुछ बनूंगी, बट मूवीज करती रहूंगी. मैम पूरी तो गए होंगे आप, जगन्नाथ दर्शन करना कितना पसंद है और आपको कितना मानते हैं, आप उन्हें कितना मानते हैं, आप गए हैं दर्शन के लिए? मैं अब तक कम से कम 3 से 4 बार जगन्नाथ जी जा चुकी हूँ. मैं, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जितनी बार उड़ीसा आऊँ मैं जा सकूँ. ऑफकोर्स हमेशा हर बार ये नहीं हो पाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ माई बिजी शूटिंग स्केड्यूल्स एंड डेट्स ऑल दैट. लेकिन अभी भी मैं लास्ट ये मूवी का शूटिंग जब चल रही थी तो बीच में जैसे ही मुझे एक दिन मिला, मैं अभी वापस पूरी जगन्नाथ जी होके आई. और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना, वहाँ का प्रसाद खाना, वहाँ बैठ के खाना एंड वहाँ के ब्लेसिंग्स लेना जगन्नाथ जी के. सो इतने सालों से आप ओडिशा में काम कर चुके हैं, ओडिशा का एक सेंटेंस बोल सकते हैं, ओडिया में कुछ बोल सकते हैं? कौन कोई भी भलो रे उड़िया कही पारी भी नहीं, टिके टिके कही पारी भी. ओके, शूटिंग में तो हम मैं रट्टे मार के याद करके बोल देती हूँ, बट मैं ये बोल सकती हूँ, हाँ वो अपने समस्तों को खूब भलो पाए. इट वॉज परफेक्ट, लग ही नहीं रहा है कि आपको उड़िया नहीं आता. थैंक यू सो मच मैम, और इतने दिनों बाद आप आए हैं, वेलकम टू ओडिशा. और कितने दिन रुकेंगे? आज मुझे वापस जाना है, मेरी फ्लाइट है शाम को. यस यस, आई एम हियर ओनली फॉर द प्रमोशन. जब मुझे वापस कोई नया प्रोजेक्ट होगा और नई शूटिंग होगी, और मे बी आई थिंक आई विल बी कमिंग बैक अगेन फॉर लॉट ऑफ प्रमोशंस. वी आर प्लानिंग फॉर दिस मूवी.
मैम, मुंबई और ओडिशा में होली में क्या डिफरेंस होता है? आज को यहाँ होली खेलेंगे? आई थिंक होली इज सेम एवरीवेयर, वो चाहे मुंबई हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, सब जगह लोग होली में मस्ती करते हैं, सेम मस्ती करते हैं, कलर लगाते हैं, भांग पीते हैं, ठंडाई पीते हैं. I wish everyone who is watching this and me currently very 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 happy Holi. May God bless you and all your family members with lots of happiness, with lots of wealth and abundance in your life. Thank you. वैसे तो पाइप हर कंपनी बनाती है, लेकिन एक अच्छा पाइप वो होता है जो किफायती, मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग, और पाइप की तरह गर्मी में आपको धोखा नहीं देगा. पाइप हो तो मैक्स टेक प्लस, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, मिनिमम प्राइस. मैक्स टेक प्लस, पाइप्स एंड फिटिंग्स.